गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं, जहां एग्जिट पोल एक तरह से सही साबित हो रहा है। दरअसल गुजरात में बात अगर शुरुआती रुझान की करें तो गुजरात में बीजेपी फिलहाल 150 से अधिक सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी गुजरात में फिलहाल 9 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य 4 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। बता दें गुजरात में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चुनाव नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी तथा अन्य के जो है शुरुआती रुझान सामने आए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बीजेपी इस समय गुजरात में 150 प्लस सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर और अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल सामने आया था, ठीक उसी प्रकार से नतीजे भी जो है आज सामने आ रहे हैं। आज गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं और एक तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अगर आज गुजरात में बीजेपी जीत जाती है तो यह लगातार होगा जब बीजेपी गुजरात में लगातार सरकार बना रही है। बता दें कि गुजरात में बीजेपी पिछले 27 वर्षों से है और आज अगर बीजेपी यहां चुनाव जीत जाती है गुजरात में, तो 2024 के लिए बीजेपी का रास्ता एक तरह से और भी आसान होने वाला है। लगातार अपडेट के लिए साउथ ब्लॉक डिजिटल के साथ जुड़े रहे। हम गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार अपडेट आपको जानकारी देते रहेंगे। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।